अब ये अच्छा चोला पहन रखा है, शराफत का लेकिन ढोंग पूरा कर रखा है। वह चोला पहन, हाँ, मुंह में राम बगल में छुरी। बीजेपी वाली नहीं, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी उल्टा इधर बोलते हैं, वो बच्चा है, कुछ नहीं जानता है। वो आओ में तीर मारता रहता, कुछ नहीं कर सकते। वो तो पहले ही लंगड़ी हो जाती है वोट मांगने के लिए। इस टीचर पे कौन वोट मांगता है? अब आम जनता तो खैर देश के लिए तो मोदी जी को ही लाना है, बाकी जिस हिसाब से मार्केट का पोजिशन है या बिजनेस है उसमें कोई मजा नहीं है। बट देखो पूरा मार्केट खाली बैठे हैं, लोग मान लो भूखे पड़े हैं, क्या है? हाँ तो देखिए गठबंधन का ही है। आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना हिंदुस्तान में। तीसरी बार फिर लाएंगे, पक्का 100%। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम। मेरी मम्मी के अकाउंट में 2000 रुपए आए हैं बहुत बार। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद हम लोग भी आम जनता के बीच आ गए हैं। जी हाँ, इस वक्त हम लोग दिल्ली की लाजपत नगर मार्केट में हैं, जहाँ पर आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसकी सरकार, जी हाँ अब की बार वो किसको पसंद कर रही है और क्या सोचती है मोदी के बारे में, केजरीवाल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, इन सबके बारे में आज बातचीत करेंगे और किन मुद्दों पर यहाँ की जनता वोट देगी अब की बार। जी हाँ, तो चलिए हम लोग इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में, जहाँ पर हम लोग लोकसभा चुनावों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव जो है उनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल को वोट डालने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी। 7 चरणों में चुनाव होगा, जिसका नतीजा 4 जून को होगा। तो चलिए मेरे साथ हम लोग आम जनता के बीच चलते हैं और आम जनता से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका जो रुझान है, उनका जो दिल है वो किसकी तरफ है, क्योंकि आम चुनाव का मौसम है। क्या नाम है आप? उमेश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले? गोरखपुर। क्या लग रहा है आपके बार इलेक्शंस में हवा किसकी तरफ? इलेक्शन में हवा मोदी जी का है। मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री, और कोई नहीं आएगा। टक्कर में कोई नहीं है? कोई नहीं, अखिलेश है टक्कर में, बाकी आएंगे नहीं। राहुल गांधी? राहुल गांधी नहीं आएंगे। क्यों? नहीं आएंगे, वो कुछ नहीं करते हैं, खाली बोलते हैं, उल्टा इधर बोलते हैं। वो राहुल गांधी उल्टा इधर बोलते हैं, वो बच्चा है, कुछ नहीं जानता है। वो हवा में तीर मारता रहता, कुछ नहीं कर सकते। अखिलेश यादव क्यों नहीं अच्छा बन सकते? ऐसे बन सकते हैं, बाकी उनकी सीटें नहीं आएगी, सरकार बनेगी मोदी की। क्या काम कर दिया मोदी जी? मोदी जी अच्छा काम कर रहा है भाई। अच्छा काम नहीं करना तभी तो हो रहा है ना, अच्छा काम करना तभी तो हो रहा है ना। माने हमारे देश में कितनी तरक्की हो गई है, तरक्की है, बिजनेस आगे है। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार के? बिहार में कहाँ से? छपरा। छपरा से है। नीतीश बाबू के बारे में क्या ख्याल है आप? हम राजनीतिक में नहीं जाते। क्यों? अच्छा, किसको वोट डालेंगे? अभी बिहार जाएंगे तब तो वोट डालेंगे ना। अरे तो लोकसभा चुनाव तो वैसे भी है। अब तो जाएंगे तब डालेंगे ना। क्या लग रहा है, किसको वोट डालेंगे? हम तो मोदी जी को डालेंगे। आप तो नीतीश बाबू भी मोदी जी के साथ आएंगे? वो तो पता है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि मोदी जी को डालेंगे। मोदी जी को क्यों डालेंगे? ऐसे कैसा काम कर रहे हैं वो तो मीडिया बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे। क्या नाम है आपका? तारा सिंह। कहाँ के रहने वाले? छपरा, बिहार। आप भी छपरा गई हैं? नीतीश बाबू के बारे में क्या ख्याल है? नीतीश बाबू के बारे में कुछ ख्याल नहीं है, ठीक है, वो अपने जगह सही है। बीजेपी में आ गए? हाँ, गठबंधन छोड़ दिए हैं वो, अब मोदी जी के साथ आ गए हैं वो। तो बड़ा झटका दिए तेजस्वी यादव को? झटका देना ही है, अब वो तो जैसा काम करेंगे वैसे ही है ना। वहाँ सरकार बीजेपी की आनी चाहिए, काम होगा फिर। तब काम होगा। अच्छा, अब इलेक्शंस हैं, 24 में चुनाव है, अब 19 अप्रैल को हैं, क्या लग रहा है हवा किसकी तरफ है? हवा तो मिला जुला के मोदी जी के ही साथ है। आपको किसके पक्ष में आप? मैं तो मोदी जी के पक्ष में। अब क्यों क्या, जब हमारे एक वोट से तो उनका कुछ होना नहीं है अखिलेश जी का। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र साहू। क्या करते हैं? मैं ऐसे केमिस्ट में जॉब करता हूँ। क्या लग रहा है आपकी बार?
वो तो है, मोदी जी है ही है, मोदी जी तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसके पक्ष में, जनता क्या सोचती? अब आम जनता तो खैर देश के लिए तो मोदी जी को ही लाना है, बाकी जिस हिसाब से मार्केट का पोजीशन है या बिजनेस है उसमें कोई मज़ा नहीं है। बट देखो पूरा मार्केट खाली बैठे हैं, लोग मान लो भूखे पड़े हैं, क्या है? मतलब मोदी जी ने मार्केट टेस्ट बहुत बेस्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। व्यापारियों के लिए बड़े बड़े व्यापारियों के लिए छोटे ठीक है, छोटे व्यापारी के लिए ऐसे है। टीएमसी देखते हैं ना, वो तो केजरीवाल देखेंगे। केजरीवाल के बारे में अच्छा क्या सोचते हैं? बेचारा केजरीवाल तो पूरा केजू बने हुए हैं, पूरा घुमा के रखे हैं, वो तो कुछ कह नहीं सकते उस बेचारे को। क्या भाई उनका इलेक्शन का टाइम है वो। क्या बात बनाना जानते हैं केजरीवाल? कैसी बात बनाने? बस उनका बस इधर का उधर करते रहते हैं, बात ही बनाते रहते हैं, बात बनाने में ही है। काम पे बहुत कम फोकस रहता है, बात बनाने पे फोकस होता है। केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं मैम? देखिए सपोर्ट की बात है कि जो गलत है उसको सपोर्ट कभी नहीं करेंगे, जो सही उसको सपोर्ट करूँगा, कोई भी हो, चाहे केजरीवाल हो या राहुल हो या मोदी जी हो, ठीक है। ऑलवेज मोदी जी बेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप केजरीवाल आज कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट पे क्या होता है वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। कैसे बढ़िया रहने वाले? झारखंड से। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। ये बताओ अब इलेक्शंस हैं, जानते हैं इलेक्शंस के बारे में कुछ? अब चुनाव हैं। हाँ जी। क्या लग रहा है कौन है अब की बार? मोदी। क्यों? बस वही है, बहुत कुछ करा है, राशन बांटे हैं, गैस बांटे हैं, घर दिए हैं, बाथरूम दिए हैं। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? पीएम यार कुछ नहीं है। देखो राहुल गांधी का नाम सुनते ही भाग रहे हैं लोग, राहुल गांधी का नाम सुनते ही भाग रहे हैं। क्यों, क्या हो गया? राहुल गांधी तो पीएम बनने के क्या मतलब पीएम उम्मीदवार के तौर पर क्या देखते हैं आप उन्हें? राहुल गांधी मेरे हिसाब से वो नहीं। अच्छा अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी क्या पीएम नहीं बन सकती? टक्कर में बस बीजेपी वाले, बाकी कोई नहीं। पक्ष है ही नहीं। जोनीश यादव। कहाँ के रहने वाले? बिहार। बिहार में कहाँ से? दरभंगा। क्या करते हैं आप? ड्राइविंग है, टैक्सी। अच्छा ये बताइए, अब इलेक्शंस हैं अब 24 में चुनाव है लोकसभा, क्या लग रहा है हवा कहाँ है? हवा तो देखिए गठबंधन का ही है। गठबंधन का ही है? इंडिया गठबंधन का है। सपोर्ट करते हैं? अब देख लीजिए, अब जो आएगा तब देखी जाएगी। अभी तो खैर ऐसे तो राहुल गांधी हैं, अच्छे प्रधानमंत्री बनेंगे, चांस तो है, देख लीजिए। आप क्या चाहते हैं, किसके पक्ष में आप? हम तो राहुल गांधी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा एक आध को काम किए हैं, जो वो जो था वो हटाए पंजाब से, और ये राम मंदिर वगैरह जो ये सब थे, खैर वो तो शुरू से वो था, बना वो उस पर बनवा दिए, बस यही सब, बस यही है राहुल गांधी। अब जो कहे थे कि हम 15 लाख देंगे, बाहर से वो आएगा, ये होगा वो होगा, वो सब कहीं कुछ नहीं, मतलब झूठे वादे करते, झूठे वादे सारे उनके जितने भी है, सारे झूठे वादे। हाँ, किसी भी वादे पे खरी नहीं उतरी कोई पर नहीं, किसी पर भी नहीं। आप कांग्रेस को देखते हैं, आपकी बार चाहता है कांग्रेस की सरकार? कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस ऐसा है कि वो माने खाते तो सारे ही हैं, लेकिन हम भी खाएं और आप भी खाओ, सब कोई जिए, बस इनमें वो है। अब इनमें क्या है, जो है सब, बस हम जो है सब, हाँ ये चीज है। वो भी क्या करते हैं? कपड़े का काम, दुकान है मेरी। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली गई। चावड़ी बाजार। केजरीवाल के बारे में फिर क्या सोचते हैं? दिल्ली के? दिल्ली बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया है। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। क्या क्या काम कर रहा है जैसे आपके लिए? बिजली पानी फ्री है, सब कुछ फ्री है, हमारे स्टाफ काम करने आता है, लेडीज़ है, बदरपुर बॉर्डर से आती है तो फ्री बस में आती है, जिस दिन वो फ्री बंद होएगा उस दिन दुकान पर आना बंद कर देगी। और बताइए क्या बताएं? अब इलेक्शन से चुनाव है, क्या लग रहा है हवा किसकी तरफ है लोकसभा? अभी देखी नहीं किसी की,
लेकिन जब देखेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, देश के प्रधानमंत्री दोबारा बन सकते हैं वो, आप चाहते हैं दोबारा बने? तो बन गए, तिवारा का पता नहीं, इतने अभी चुनावी बॉन्ड आ रहे हैं, इतने वो हो रहा है, तो घपले तो इन्होंने भी खूब करे हैं, दबा के करे हैं। मतलब ये अच्छा चोला पहन रखा है शराफत का, लेकिन ढोंग पूरा कर रखा है, चोला पहन, हाँ मुँह में राम बगल में छुरी। बीजेपी वाली नहीं, मैं मोदी की बात कर रहा हूँ। अब उसमें गडकरी वगैरह बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन वो भी क्या नाम है आपके निकाल दिए गए। बीजेपी तो ख़त्म होती जा रही है, बस दो ही लोग रह गए, एक क्या नाम अमित शाह और मोदी, और कौन है बताइए? अभी किसे पूछो कौन कौन से मंत्री हमारे यहाँ, तो कोई नाम बता देगा क्या? कौन बताएगा? कोई एक आदमी भी कोई नहीं बता सकता। अच्छा राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? इसी के बारे में सोचता नहीं, मैं तो दुकानदार आदमी हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं, लेकिन जो मेरे को था वो मैंने आपको बता दिया। रेड सोल, देखिए हमारे साथ और भी आम जनता यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है? सुबेर। सुबेर, क्या लगता है आपके बार चुनाव में किसको वोट डालने का इरादा है आपको? देखिए चुनाव में हम तो इंटरेस्ट रखते नहीं है, ना हमारी अभी उम्र है। कितने साल के हैं आप? हाँ अभी 17 साल के। अभी तो वोट नहीं डाल सकते हैं अभी, आप कोई नहीं, एक साल वेट करिए विधानसभा में दिल्ली के, उसमें वोट डालना। क्या नाम है आप? रंजीत कुमार सिंह। क्या करते हैं? कपड़े का काम करता हूँ। और रहने कहाँ के वाले? लखनऊ का। लखनऊ के हैं, नवाब के शहर के हैं आप। क्या, अच्छा योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? बहुत बढ़िया सोचते हैं, बहुत बढ़िया, यूपी में सब जगह। मोदी जी के बारे में? आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना हिंदुस्तान में, तीसरी बार फिर लाएंगे, पक्का 100%। राहुल गांधी भी तो बन सकते हैं लेकिन पीएम? मगर उनकी तो हर बात मजाक में ले ली जाती है, कुछ भी बोलते, कभी राहुल गांधी की कभी कोई बात उन्होंने सीरियल बोली है? बोली है कभी? मेरे को तो नहीं लगता बोली। नहीं। नीतीश कुमार? वो भी नहीं बन सकते गठबंधन में तो, लेकिन आप बीजेपी के आ गए हैं। आ गए हैं मगर देखा जाएगा। और क्या बैनर्जी? वो तो पहले ही लंगड़ी हो जाती वोट मांगने के लिए, इस टीचर पे कौन वोट मांगता? मतलब किसकी जरा है, क्या लग रहा है? 400 पार? 400 पार नहीं, 500 पार कर देंगे, 500 पार कर देंगे यूपी से। चलिए ठीक है। हाँ भैया क्या नाम है? हाँ सुदर्शन। क्या करते हैं? जॉब करते हैं। हाँ किरण? बिहार मधुबनी। नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार तो ऐसे बिहार के लिए सही नहीं है, लेकिन बाकी कोई नया बंदा है ना, लालू चलेगा ना नीतीश, कुछ नया आना चाहिए। तेजस्वी यादव आना चाहिए, फिर वो कांग्रेस के अंदर आके वो भी ऐसे ही हो जाए, कुछ नया। चिराग पासवान सोच सकते हैं? क्यों? कुछ नया हो तो हम भी, कुछ नया आएगा तभी कुछ होगा, तो जो चल रहा है वही चलता रहेगा। अच्छा मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं? आप चुनाव हैं, किसके पक्ष में हैं, किसको वोट डालेंगे? मोदी। क्यों? मोदी हर हर घर, घर घर मोदी, हर हर मोदी। अच्छा ऐसा क्या काम कर दिया मोदी ने जो हर घर मोदी? आपने ये बताइए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया बताइए? उनके आने से क्या आपको लग रहा है कि नहीं आए, कुछ हुआ? क्या हुआ? सब कुछ हुआ। मैं हम तो जहाँ देखते रोड देख लीजिए, अच्छी अच्छी जहाँ जो चीज़ नहीं हो सकता था उनके उनके आने के बाद हुआ। अब इसी तरह हम क्या कहते हैं, हम तो जितना देखते हैं कि लगता है कि बहुत कुछ हुआ पहले से, अगर आने वाला 10 साल में होगा तो इंडिया कुछ स्टडी चेंज हो जाएगा। अच्छा राहुल गांधी भी तो लेकिन पीएम बन सकते हैं? आप उसके लिए तो हम लोग आते राहुल गांधी का नाम ही नहीं सुने, नहीं हम तो प्रियंका गांधी सुनते, लेकिन उनके नाम आते हैं जहाँ जो है ना कार्टून बनाने के नाम पे, कार्टून बनाने के नाम। राहुल गांधी मतलब पीएम नहीं बन सकते? नहीं उस लायक नहीं है। चलिए आइए जरा अंदर आइए, पीछे से बातचीत करते वक्त एक नाम आया था, क्या नाम था वो बता दीजिए? मनीष कश्यप। इसलिए सरकार उसी का बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बिहार का, बिहार का मुख्यमंत्री सबसे फेमस है अभी चल रहे, मैं तो कहूँगा वही आए। बीच
चुनाव अब की बार 24वें चुनाव है, 19 अप्रैल को वोटिंग शुरू होगी, 7 चरणों में हो गया। वही है मोदी है। सातों सीट लोकसभा, सातों सीट बीजेपी। क्यों? सबसे काम अच्छा वही कर रहे हैं तो वही का सीट आएगा ना। जो काम ही नहीं करेंगे उसका सिकला के पैर खाते हैं। सॉरी, क्या काम करा है सब? बहुत काम किया अपने व्यापार से रिलेटेड। ऐसे तो मैं कितने बताऊंगा, बिहार में हर चीज़ें, दिल्ली में तो हर चीज़ें किया है मोदी ने, किया है सारे कुछ तो वही कर रहे हैं, इससे पहले तो कुछ हुआ ही नहीं है। राहुल गांधी नहीं बन, राहुल गांधी साहब सब उन सबका काम लाइक नहीं रहा ना, उन सबका खाली नाम रह गया बस। ठीक है जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अब बिहार के ही मिल रहे ना यार, लाजपत नगर मार्केट में। बिहार से ये आज दुकान, ये सड़क इतनी खाली खाली की? खाली खाली इसलिए जी, MCD पुलिस वाले ने हटवा रखा है। कब तक के लिए? अनिश्चित काल है। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोकसभा चुनाव है, आप किसको वोट डालेंगे, किसके पक्ष में? हम तो मैंने बीजेपी के पक्ष में। क्यों? क्या काम करा बीजेपी? क्या काम करा है, क्या नहीं करा ये बताओ ना आप। मैं आपसे पूछना था, क्या काम नहीं करा बताओ ना, उसका उदाहरण दो ना। सब काम करा है जी, दो तीन काम है, रोड सब जगह चकाचक है, जो दलाल था बीच में सबको हटा दिया, सीधे अकाउंट में किसान के खाते में पैसे जा रहा है, और क्या चाहिए। राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए। सबसे बड़ा तो राम मंदिर बना दिया, पुण्य का काम कर दिया, कई सालों से वो रुका पड़ा था, बस यही काम सब है। बीजेपी अच्छा है, मैं बीजेपी को हम सपोर्ट करते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी? 100% 407 पार है इस बार। राहुल गांधी नहीं बनते? वो तो पप्पू है मैडम, वो तो खेतों से आलू सोना निकालता है वो। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बताएंगे भैया, बताएंगे भैया। मंदिर कभी गए हो? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो मंदिर नहीं गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप किसको वोट डालेंगे? किसको वोट डालेंगे? बीजेपी, बीजेपी में। क्यों? क्योंकि मेरे बॉस उसी में, बॉस के साथ रहना चाह रहा हूँ ना। केजरीवाल के बारे में क्या सोचना है आप? देखो दिल्ली बिहार वाले हूँ, केजरीवाल के बारे में। अच्छा चलो, नीतीश कुमार के बारे में क्या? वो तो पलटू चाचा है। लेकिन अब तो बीजेपी में ही आ गए हैं जिसको आप वोट? मगर बीजेपी चला गया इसीलिए हम लोग देंगे वोट, नहीं तो हम पलटू चाचा का वोट देते ही नहीं। रह गया तेजस्वी, तेजस्वी तो है गुंडा राजवाला, जंगल का शेर है वो, इसलिए इसको कोई वोट ही नहीं देगा। हरी यादव। कहाँ के रहने वाले? बिहार। यार आप सब लाइन से बिहार से एक साथ गाड़ी पकड़ के रहे थे? ट्रेन से आए थे, गाड़ी से नहीं आए थे। कोई ट्रेन से नहीं था ना। अच्छा, बिहार में कहाँ से? दरभंगा। नीतीश बाबू के बारे में क्या सोचते हैं? बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते हैं। क्यों? बिहार का कोई नेता ही नहीं अच्छा लगता मुझे, क्योंकि सब लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो काम करता वहाँ तो हम यहाँ थोड़ी ना आते, अपने देश में ही रहते ना। सबको अपनी मट्टी प्यारी है, सब अपना परिवार छोड़ के यहाँ कोई काम करने आता तो मजबूरी में ही आता है, शौक से कोई नहीं आता। शौक से वो आता है जिसकी सर्विस नौकरी है, जिसकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, वो आता है घूमने आते हैं शौक से। काम करने वही आता है जिसकी ज़रूरत हो, जिसके घर में नहीं है रोटी तभी आता है वो बाहर, जिसको खुद रहेगा घर में क्यों आएगा बाहर। चलिए, आप दिल्ली में केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं? केजरीवाल कैसे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हम पॉलिटिक्स नहीं उठना रहते, ठीक है। हमें पहली बात तो पूरा ये समय ही नहीं मिलता है, आते हैं 10 बजे दुकान पे, 11 बजे रात को घर जाते हैं, खाए बच्चे उच्चे जब तक जाते हैं सो जाते हैं, जब टाइम ही नहीं मिलता है। थोड़ा टाइम मिलता है तो मैच देखते हैं, इसके अलावा मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, आप चुनाव है किसको वोट डालेंगे आप? वोट तो हम मोदी जी को ही डालते हैं। हाँ, इसलिए डालते हैं क्योंकि उन्होंने जो दो चार ऐसा काम किया है ना जो बहुत अच्छा गाँव के लिए किया है। जैसे गाँव में था किसान को खेती उती में बहुत दिक्कत होता था, पानी फसल नहीं आ पाता था, उसने बिजली लगा दी है खेत समय, उससे बहुत ऊपर से जितने किसान था उसको 6 महीने पे या 3 महीने पे हर फसल का पैसे आता है। फसल नुकसान हो गया, जैसे पहले धान था बाढ़ आता था नुकसान हो जाता था, अब उसका एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब वो हो जाता है कि इंश्योरेंस हो जाता है आपका, अगर नुकसान हो गया तो पैसे मिलता है। पहले क्या था, पेंशन जो होता है बूढ़े को टाइम से नहीं आता था, वो सब आता है, ये अच्छा किया है। बाकी सब अच्छे हैं अपने। राहुल गांधी नहीं बन पाएंगे? राहुल गांधी में क्वालिटी नहीं है बनने लायक, सबसे बड़ी हैंडल करने लायक लीडरशिप चाहिए ना,
अब हमें दुकान चला रहे हैं तो सब थोड़ी ना चला लेगा, जिसको आता है वही चलाएगा, नया बंदा ला के खड़ा कर देंगे थोड़ी ना चला पाएगा। तो उसमें नहीं है, उसके अभी मुकाबले में है नहीं मेरे हिसाब से तो कोई नेता। बाकी केजरीवाल वो भी अपने जगह ठीक है, धन्यवाद। बस बिहार में कोई नेता अच्छा नहीं है, यही है, बहुत घटिया है, सब घटिया है, सब वहाँ ये अपने लूट के खाने वाला मिले है, कोई पब्लिक को देखने वाला नहीं रहे। सबसे इंडिया का गरीब राज्य में चुना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसे जमींदार सब वहाँ भी भरा हुआ है जिसके पास पैसे को खुद नहीं पता कितना है, लेकिन फिर भी सब अपना हथियार के बैठा हुआ है। तो किसी के पास 500 बीघा जमीन है, जिसके पास नहीं है तो एक कट्ठा भी नहीं है, ये हाल है वहाँ। मैं 19 साल का हूँ मैडम, मतलब वोट डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता हूँ, पर अभी वोटर कार्ड बना नहीं मैडम, अभी नहीं बना। अच्छा ये बताओ क्या सोचते हो सरकार के बारे में, मोदी जी ने कैसा काम किया? मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम। मेरी मम्मी के अकाउंट में 2000 रुपये आए हैं, बहुत बार आए हैं, झूठ थोड़ी बोलूँगा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं MP से रहने वाला हूँ, छतरपुर से, बागेश्वर के बगल से। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन कभी गया नहीं मैडम बागेश्वर धाम, पर जाऊँगा तो जरूर जाऊँगा अबकी बार। यहाँ पे कब से हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं यहाँ पे हूँ 12-13 साल से। हाँ केजरीवाल को जानते हैं? केजरीवाल कौन है, मैं नहीं जानता, मैं तो सिर्फ मोदी को जानता हूँ बस, और किसी को नहीं जानता। राहुल गांधी को जानते हैं? किसी को नहीं जानता मैडम, सिर्फ मोदी को जानते हैं, हमारे पूरे खानदान का वोट मोदी पे ही जाता है बस, और क्या। बिल्कुल देंगे, मोदी को हर साल वोट जाता है, इस साल भी मोदी को ही जाएगा वोट। ऐसा क्या काम कर रही है बीजेपी? अब जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है बस, वो भगवान जानता है ऊपर वाला। हाँ जनता के हित में काम कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, और क्या। ये अपने चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करना है, इसको वोट डालेंगे? मोदी क्यों, क्या काम कर रही है मोदी जी? मोदी ने देश के लिए बहुत अच्छा करा है, देश के लिए सारा असला बारूद दिए, वो बहुत अच्छा कर दिया देश के लिए। इससे पहले कोई जो भी प्रधानमंत्री रहा उसने कुछ नहीं करा। असला बारूद मोदी जी ने बनवा दिया? जो भी है करा तो उन्होंने ही है मैडम, मोदी साहब ने बहुत अच्छा कर रखा है। बस ये राहुल गांधी के बारे में क्या? राहुल गांधी बेकार हो गया, बेकार हो गया, उनके लिए कोई कहानी नहीं है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी? सिर्फ मेरे को दिल्ली से फर्क। केजरीवाल? केजरीवाल तो अब चोर हो गया, अब जब देख रहे हो ना उसका डेली आता है उसके अंदर सब लेडीज को पागल आते हैं। कौन सा, अरे कुछ नहीं मिलता भाई, सब देने वाली बात है। बिजली फ्री यूज नहीं कर रहा, फ्री पानी फ्री कुछ भी नहीं है, और क्या चाहिए, दारू फ्री, डेली डेली फ्री। कौन 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 नहीं आता? अबे 200 MB से ज्यादा करोगे तो ही तो बिल दोगे ना, कम यूज करो ना। आप किसको वोट देंगे? मोदी, मोदी को वोट देना है, मोदी को ही देना है। आप किसकी सरकार चाहते हैं? देखिए हम लोग दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में इस वक्त मौजूद थे, और लोकसभा चुनावों को लेकर यहाँ की जनता का, यहाँ की आम जनता का क्या ख्याल है वो आपने देखा होगा, कि यहाँ की जनता किसकी सरकार अब की बार चाहती है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी को लेकर उनके जहन में क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं, ये भी आपने देखा होगा। साथ ही जनता ने ये भी बताया कि उन्हें फ्री की रेवड़ियाँ जो हैं वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो अब की बार मोदी सरकार, क्योंकि मोदी सरकार में विकास हो रहा है, और ऐसे वो मानते हैं कि और कोई टक्कर में ही नहीं है मोदी जी के। जी हाँ, ऐसा जनता का कहना है। कैमरा पर्सन अजीत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।